नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। भंडरिया से हमारे संवाददाता इरशाद आलम की रिपोर्ट। भंडरिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में दो दिवसीय कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। आज दिनांक 11 जनवरी 2021 को गढ़वा जिला अंतर्गत भंडरिया प्रखंड कार्यालय के सभागार में प्रखंड स्तरीय कृषि चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें की पूरे प्रखंड के कृषक, किसान, पुरुष एवं महिला भारी संख्या में उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी असीम बीनी तीगा, तकनीकी सहायक प्रबंधक मकबूल आलम के द्वारा सभागार में उपस्थित किसानों को बताया गया कि वर्मी कंपोस्ट खाद से खेती करने के अनेक फायदे हैं। वहीं रवि फसल एवं गर्मा फसल के कैसे खेती करनी है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई एवं सरकार से मिलने वाली लाभ तथा तकनीकी सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई। कृषि यंत्र, खाद, बीज उपलब्ध के बारे में बताया गया कि खाद एवं बीज का रेट सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है, जो कि लैंपस के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। भंडरिया प्रखंड क्षेत्र के कृषि संबंधित योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, उसे कृषि पदाधिकारी द्वारा डोर टू डोर क्षेत्र भ्रमण कर किसानों को जागरूक करते हैं और हर किसान को लाभ पहुंचाते हैं। भंडरिया प्रखंड क्षेत्र में कृषि में सुधार आया है और किसानों में खुशहाली देखने को मिल रही है। सहायक तकनीक प्रबंधक मकबूल आलम, संजय सिंह, किसान मित्र सुनीत मिंज, विकास कुशवाहा, काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। और प्रखंड कृषि चौपाल का आयोजन किया गया था, वो राज्य योजना अंतर्गत 2020-21 की योजना अंतर्गत किया गया था। उसी के तहत हमारे भंडरिया प्रखंड में भी ये दो दिनों का रबी कर्मशाला एवं कृषि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग से संबंधित सभी तरह की योजनाओं के बारे कृषकों को बताया गया। साथ में रबी फसल जो अभी लगा हुआ है उसके संबंध में कृषकों को जानकारी दी गई एवं गर्मा फसल के संबंध में सरकार के द्वारा क्या सुविधा दी जाती है उसके बारे में बताया गया। साथ में विभाग द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे कृषकों को बताया गया। इसमें